ग्वालियर में 32वीं अंतर जिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन पुलिस लाइन ग्वालियर स्थित परेड ग्राउंड में किया गया था। उक्त आयोजन में एथलेटिक्स, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, बैडलिफ्टिंग और क्रॉस कंट्री आदि खेलों का आयोजन किया गया था। खेलकूद प्रतियोगिता में ग्वालियर जिला ऑल ओवर चैंपियन बना और द्वितीय स्थान सागर जिले ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों को रक्षित निरीक्षक ग्वालियर रणजीत सिंह द्वारा कैप पहनाकर बैच भी लगाए गए। उसके बाद टीम मैनेजरों से मुख्य अतिथि का परिचय कराया गया और पुलिस बैंड द्वारा अतिथियों का अभिवादन भी किया गया। ये पूरा आयोजन के लिए गोविंद जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजन किया। 32वीं अंतर जिला उत्तरी जोन पुलिस खेल प्रतियोगिता है, वो 20 जुलाई से आज 23 तारीख तक संपन्न हुई और आज समापन समारोह इसका था। तो विगत ये लगभग मान के चलिए कि 20 तारीख को मार्क पास्ट हुआ था, 21-22 को विभिन्न इवेंट्स में हमारे यहाँ जो 8 टीमें आई हैं विभिन्न पुलिस यूनिट्स की, उन्होंने भाग लिया और करीब 207 खड़े होने उसमें भाग लिया। और इसमें मैंने ये देखा कि बहुत सभी लोग उत्साहित थे और कई इसमें परफॉर्मेंस ऐसे आए जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिए जो पुरानी जो मेट्स थे उसके अपेक्षा। तो जिस उत्साह से जैसे ये लोग अपनी फील्ड में ड्यूटी करते हैं, उसके बाद इन्होंने इस खेल में भी जो है शिरकत की और खेल में सब शामिल हुए, तो निश्चित रूप से ये सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है हमारे समस्त फोर्स के लिए कि जिस ढंग से हम लोग फील्ड पर काम करते हैं तो जब हमें ऐसे खेलने के मौके आते हैं तो उस समय भी हम अपने पूर्ण मतलब जिसको बोलते हैं निष्ठा के साथ और पूर्ण लगन के साथ इसमें मतलब जो अपना स्किल्स को लगाएं और अच्छे से अच्छे इवेंट्स में भाग लेकर अच्छे से परफॉर्मेंस दें। तो कुल मिला के ये प्रतियोगिता बहुत सफल रही, जिसमें हमारे जो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर और रक्षक निरीक्षक ग्वालियर और इसके अतिरिक्त जो उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की और मैं इसके अलावा जो इवेंट्स मैनेजर थे हमारे और उसके अतिरिक्त एम्पायर्स और रेफरी सभी का मतलब आभार व्यक्त करता हूँ इस अच्छे से।